ठीक है, प्रैक्टिस सेट 35। ठीक है, इसका हम आपको पहला और चौथा करके दिखाएंगे और आप दूसरा और तीसरा आप होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, 16xy + 18xy। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 18xy, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी सीधे आपको 16 × 18 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 6 48, 4 8 1 12 0 16, ये आपका हो जाएगा 8 8 2, ये आपका हो जाएगा 288xy। ठीक है, xy कॉमन, देन फोर्थ नंबर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर है 4x + 5y × 9x + 7y। ठीक है, ये अभी जैसा हमने सॉल्व किया था उसी की तरीका है, इसको आगे कर लेते हैं, 4x इसको इसके साथ करते हैं पूरा, 9x + 7y + 5y 9x + 7y। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4x × 9x + 4x × 7y + 5y × 9x + 5y × 7y। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 9 36x² 4 7 28xy + 5 9 45xyx + 5 7 35y² तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 36x² + 28 45 8 5 13 173 73xy + 35y². ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 23xy² × 4yz², ये आपका होमवर्क है। देन क्वेश्चन नंबर 3, 12a + 17b × 4c, ये आपका दोनों होमवर्क है, आप इसको होमवर्क करिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगल इज 8x + 5 cm लॉन्ग एंड 5x + 3 cm ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो इसमें क्या आपको बोला है, इसको हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका ये कितना दिया है लेंथ, लॉन्ग कितना है 8x + 5, विड्थ दिया है 5x + 3। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ठीक है, ये दिया है एल, ये दिया है बी, रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एल दिया है 8x+5 इंटू बी हो जाएगा 5x+3, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करिए और आपका हो जाएगा 8x, इसे सॉल्व करिए 5x+3 से, +5 5x+3, तो आपका हो जाएगा 8x into 5x plus 5 into 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 5 40x2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 3 24x plus 5 5 25x plus 5 3 15, तो आपका जो 40x2 plus 49x plus 15, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ठीक है, होप आपको समझ में आया है पूरा। ये एक लास्ट इस पे और रह जाता है, इसको देख लेते हैं हम एक बार, हमने क्या क्या देख लिया है इसमें। हमने देख लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने देख लिया टर्म्स, फैक्टर कोफिशिएंट, लाइक अनलाइक टर्म्स, देन मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, फिर एडिशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लाइंग सिंगल टर्म इंटू सिंगल टर्म, सिंगल टर्म इंटू टू टर्म, टू टर्म इंटू टू टर्म, देन द लास्ट रह जाता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हम देखते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, तो बुक के कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं इसमें बुक के एग्जांपल्स। इस पे एग्जांपल वन दिया है 2x+2 = 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2x, इसको हम इस तरफ लेके चल जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 8 इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ठीक है। जब भी हम इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, तो आपका इक्वल टू के अगर इधर जाएगा तो वो साइन उसका इंटरचेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6, तो आपका x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू होगा 6/2, तो आपका x हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको और समझ में आएगा। इसमें आएगा आपका 3x-5 = x-17, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x को एक तरफ लेके आना है और y नंबर को एक तरफ लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, देयरफॉर 3x, ठीक है, या फिर आप एक तरफ ले लीजिए पूरा, -5 - x+17 = 0 कर लीजिए, देन 3x - x - 5+17 = 0, देन ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा +12 = 0, देन आपका जाएगा 2x = ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -12, देन x = -12/6, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा ये -2,
सिक्स बाई टू तो आपका हो जाएगा माइनस सिक्स। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, जितने वेरिएबल्स वाले टर्म हैं एक्सप्रेशन उसको एक तरफ लेने हैं, नंबर्स को एक तरफ लेने हैं। ठीक है, थ्री एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स, इसको हमने इस तरफ लेके आए इक्वल टू के, तो इसका साइन चेंज होगा माइनस एक्स, इसका साइन चेंज होगा प्लस सेवनटीन इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अभी हम कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा प्रॉपरली। हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, इसमें आपको मैक्सिमम करके देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो वर्ड प्रॉब्लम भी दिए हुए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम सीधे प्रैक्टिस सेट में देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 36। ठीक है, पहला देखते हैं, पहले में दिया है चूज द राइट आंसर, 3x-11y, ठीक है, देन -17x+13y। इसको हमने निकालना सीखा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हम किसी एक मेथड से निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x-11y-17x-13y। ठीक है, x को एक तरफ लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3x-17x, y को एक तरफ लिखेंगे -11y-13y। ठीक है, आपका ये आ जाएगा आंसर, x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा 3-17x, यहाँ पे आपका हो जाएगा +-11-13y। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा -14x। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11, 13, 23, 24 -24y। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, तो इसको और आप कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर -2, तो ये हो जाएगा आपका 7x+12y, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है द प्रोडक्ट ऑफ 23x²y³z एंड -15x³yz². ठीक है, तो इसको आपको सीधे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका क्या हो जाएगा 23 × x² × y³ × z × -15 × x³ × y² ठीक है, तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई एक साथ कर लेना है, तो आपका हो जाएगा 23 15 y³ is 15 1 5 2 10 11 0 23 then 5 4 3, देन ये हो जाएगा 345। ठीक है, इंटू एक्स, एक्स को कर लेंगे तो आप एक्स एक्स क्यूब, ये हो जाएगा x⁵। ठीक है, देन y को कर लेंगे तो इंटू y⁴, देन z³, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 345, x⁵, y⁴, z³। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा 345 x⁵, y⁴, z³। ओके, देन यहाँ पे दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें तीन करेंगे, तीन आप होमवर्क ले लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, दिया है 4x + 1/2 = 9/2। ठीक है, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो 4x = 9/2 - 1/2, बेस सेम है तो हो जाएगा 9 - 1/2, ये आपका हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4x = 8/2, 2 1 2 4 तो 4x हो जाएगा आपका 4x = 4/4। ये जब भी इस तरफ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 4 1 4 1 तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, 10 = 2y + 5। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालना है इसमें, y का वैल्यू निकालना है इसमें, इस पर x का वैल्यू निकालना था, तो आपका हो जाएगा 2y + 5 = 10। इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो 2y = 10 - 5। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2y / 5, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है 5m - 4 = 1। इसको भी आप उस तरफ लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5m = 1+4, तो आपका हो जाएगा 5m = 5। ठीक है, तो आपका m का वैल्यू हो जाएगा 5/5, 1 1 तो आपका m का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 6x - 1 = 3x + 8, देन क्वेश्चन नंबर 5 2x - 4 = 4x + 2, देन क्वेश्चन नंबर 6 5x + 1 = 74। ये तीनों आप होमवर्क ले लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से व्हाट प्रॉब्लम शुरू होते हैं इसको देखते हैं हम। ओके, राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5। ओके, राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाय 5 ईयर। ओके, then their sum of their ages is 27 years। okay, solution इसका देखते हैं how। okay, यहाँ पे देखते हैं हम, let सानिया एज दिया, सानिया एज जो है वो दिया है x, सानिया एज is x years से, तो राकेश का एज 5 साल उससे कम है, तो क्या हो जाएगा, ये राकेश का एज हो जाएगा, राकेश एज विल बी x - 5। ठीक है, टोटल एज दिया है, टोटल एज दिया है 27। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x + x - 5 = 27। तो आपका क्या हो जाएगा, ये x + x - 5 = 27, तो आपका हो जाएगा ये x + x 27 + 5, तो ये आपका जाएगा x + x, ये हो जाएगा आपका 32, तो आपका 2x हो जाएगा 32, x हो जाएगा आपका 32/2, तो आपका x हो जाएगा 16, तो आपका x हो गया 16। तो सानिया का एज कितना निकल गया, सानिया का एज जो है वो है 16 ईयर्स। तो राकेश का एज क्या हो जाएगा, x - 5, तो 16 - 5,
तो ये आपका हो जाएगा 11 ईयर्स। तो आप इसको अगर टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 16 प्लस 11 इक्वल टू 27 ईयर्स। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द टोटल नंबर जाम्बुल ट्री वाज ग्रेटर देन द अशोका ट्री बाय 60। ओके, इफ ऑल टुगेदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन प्लांटिंग अ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री प्लांटेड वाज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अशोका ट्री बाय एक्स बाय 60। इफ ऑल टुगेदर 200 ट्री ऑफ दिस टू टाइप्स हाउ मेनी जाम्बुल ट्री वेयर प्लांटेड। ओके, तो बोला है इसने द नंबर ऑफ अशोका ट्री को हम पकड़ लेते हैं, लेट अशोका ट्री हम पकड़ लेते हैं प्लांटेड इन फॉरेस्ट सपोज एक्स नंबर्स। ओके, तो जाम्बुल ट्री कितना हो जाएगा, जाम्बुल ट्री आपका हो जाएगा एक्स प्लस 60। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ कितना दिया इसने, टोटल प्लांटेड दिया आपको 200। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका ये एक्स प्लस 60। ठीक है, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 200 आना चाहिए, 200 हो गया, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 60, ये आपका हो गया 200। तो आपका ये क्या हो जाएगा 2x + 60 इक्वल टू 200। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 2x = 200 - 60, 2x = 140, x = 140/2 ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, x = 2770। ठीक है, तो अशोका ट्री है अगर 70, तो अशोका ट्री इज 70, देन जाम्बुल ट्री विल बी x + 70, तो ये आपका हो जाएगा x + 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 70 + 60, तो ये आपका हो जाएगा 130, तो जाम्बुल ट्री आपका हो जाएगा 130। ठीक है,